हृदय रोग व मधुमेह के मरीजों के लिए दालचीनी का सेवन फायदेमंद है। साथ ही त्वचा के लिए भी काफी गुणकारी होती है दालचीनी। सुंदर व निखरी त्वचा पाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल होता है। दालचीनी में एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें मौजूद तत्व पिंपल को खत्म करने में सहायक होते हैं। इसके इस्तेमाल से खून का संचार बेहतर तरीके से होता है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो शहद व दालचीनी को 3:1 में मिलाकर रात पर चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। रूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो स्किन केयर में दालचीनी को शामिल कर लें। इसके लिए दालचीनी पाउडर में एसेंशियल ऑयल और पेट्रोलियम जेली या ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। फटे या रूखे होंठ है तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई दालचीनी, शहद, बादाम का तेल, जैतून का तेल व नमक मिलाकर स्क्रब भी तैयार कर सकते हैं। दाग धब्बों व एक्जिमा के लिए, एक्जिमा स्किन की बहुत बड़ी परेशानी है जो कि रूखी त्वचा के कारण होता है, जिससे त्वचा पर सूजन व धब्बे निकल आते हैं। इसके लिए दालचीनी में 1 चम्मच शहद मिलाकर लगाएं। दालचीनी में केला, थोड़ा दही, नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर 15 मिनट तक के लिए लगाकर छोड़ दें। पानी से चेहरे को धो लें। आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। तो ये थे आज के कुछ घरेलू उपाय जो कि रूखी त्वचा से, दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने में दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी बहुत अच्छी है, बालों और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।